फ्रेंड्स, एक बार बस इस दूध को बनाकर तो पी लें, ये एनर्जी से भरपूर है और टेस्ट में तो इतना ज़्यादा लाजवाब है कि इसको आप रोज़ रोज़ भी बनाकर पियेंगे तब भी आपका दिल नहीं मानेगा। इसको पिए बिना आप बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और घर पे ही अवेलेबल चीज़ों से इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाल कलर से सब्सक्राइब है उसे प्रेस कर दें और घंटी की बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 5 से 6 खारक ले लिया है, खारक या छुहारे जिस नाम से भी जानते हो, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो इसको अच्छे से धुल लिया है और इसको हम दूध के साथ भीगने के लिए छोड़ देंगे लगभग 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि खारक तो वैसे भी हार्ड होता है। और इसको देखते हैं 2 से 3 घंटे बाद तो ये सॉफ्ट हो चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है खजूर, इसमें कैल्शियम, आयरन और जिंक पाया जाता है। अब जिसमें हमें को दूध उबालना है तो उस बर्तन को अच्छे से धो लेते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी ले लिया है, नीचे से धुला रहता है और पानी ले लेते हैं थोड़ा सा, तो ये नीचे से दूध जलता नहीं है, नीचे तली में नहीं चिपकता है। तो दूध को उबलने के लिए रख दिया है और ये जो खारक है, खारक का अंदर का बीज निकाल कर अलग कर देंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे हम। आप चाहे तो किसनी वगैरह से इसको कद्दूकस कर सकते हैं। यदि आपको नींद ना आने की समस्या है तो आप इस खारक का यूज़ करेंगे, भीगे हुए खारक को खाएंगे तो आपको ये समस्या दूर हो जाएगी और डाइजेशन अच्छा होता है इसको यूज़ करने से। जोड़ों में दर्द है तो वो भी समस्या दूर हो जाती है। ये खून की कमी, यदि खून में हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसको भी दूर करता है खारक। और ये हमने कुछ काजू और बादाम ले लिया है तो इसको भी हम ग्रेट कर लेते हैं। ये हमारा दूध उबलकर तैयार ही हो गया है, जिसमें हमने ये खारक भिगोने के लिए रखा था उसी दूध को इसमें मिला देते हैं ताकि साथ में उबल जाए। तो फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और ठंड में तो यदि ऐसी चीज़ें मिल जाए तो बड़ा मज़ा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है ना, यदि काजू बादाम वाला दूध मिल जाए पीने को। तो इसमें हमने काजू बादाम को ऐड कर दिया है और इसको साथ में अच्छे से उबाल लेते हैं। आप इसको तो ज़रूर बनाकर पियेंगे क्योंकि ये पीने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आप कुछ दिन बस बनाकर इसको पी लें, 5 से 6 दिन एनर्जी से भरपूर हो जाएंगे आप। इसमें हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, हल्दी पाउडर वैसे भी आप जानते हैं कि गर्म होता है और बढ़ती उम्र के साथ साथ तो हमें हल्दी वाला दूध तो ज़रूर पीना चाहिए, जोड़ों वगैरह के दर्द को भी कम करता है हल्दी वाला दूध। इसमें हमने दालचीनी का टुकड़ा मिला दिया है ताकि दालचीनी का अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाए। तो इसको हम अच्छे से उबल जाने देते हैं और यदि आपको इसमें मिठास देनी है तो आप अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग शक्कर या गुड़ ऐड कर सकते हैं। अब इसको हमने ग्रेट कर लिया है, ये जो खारक है, और इसको खारक को हमको बाद में ही मिलाना है जब ये हमारा दूध अच्छे से उबल कर तैयार हो गया है, क्योंकि यदि हम शुरू शुरू में ही दूध में खारक को उबलने के लिए छोड़ देते हैं तो हमारा दूध फट सकता है। अब इसमें हमने थोड़ा सा गुड़ मिला दिया है, खारक में तो ऑलरेडी मिठास होती है तो थोड़ा सा गुड़ मिला दिया है। गुड़ को भी हमको लास्ट में डालना है क्योंकि गुड़ भी यदि हम उबलते दूध में शुरू में ही डाल देते हैं तो दूध फट सकता है, इसलिए दूध में खारक और गुड़ को बाद में ही मिलाना है। इसमें हमने काली मिर्च पाउडर मिला दिया है। अब ये हमारा बढ़िया से मिक्स हो गया है, ज़्यादा हमको उबालना नहीं है, लगभग 20 से 25 सेकेंड ही गुड़ डालने के बाद इसको उबालना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है और इसके जो ये दालचीनी है, दालचीनी का तो अच्छा इसमें फ्लेवर आ गया है। अब दालचीनी को हम अलग कर देते हैं निकाल कर। अब आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें तो आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें कि आपको ये कैसा लगा पीने के बाद। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स पीने में, तो बहुत ही लाजवाब, और यदि ठंड में ऐसा कोई गर्म गर्म दे देना तो दिल खुश हो जाता है सच में ना। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक तो करना बनता है ना। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, जल्द ही मिलते हैं।